अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। केक की मुकम्मल आइसिंग देखने के लिए इस वीडियो को आप देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको क्रीम बीट करना भी सिखाऊंगी। अभी तक मेरी किसी वीडियो में मैंने ये नहीं आपको बता सकी कि क्रीम कैसे बीट करते हैं। ये नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम है। आपके एरिया में जो भी क्रीम अवेलेबल है आप ले सकते हैं, जो भी आपको जिस भी कंपनी की क्रीम मिलती है, ठीक है, डिफरेंट कंपनी की क्रीम मिलती है। तो ये देखिए, अब ये क्रीम कौन सी है, लिक्विड फॉर्म में, देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। और आप देख लें बाउल कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रीम बीट करने के लिए आपने ध्यान रखना है बाउल हमेशा, कोशिश करें इस क्वालिटी का यूज करें। और बाउल का चौथाई हिस्सा है क्रीम का, आप चौथाई भी डाल सकते हैं और हाफ से नीचे डाल सकते हैं, हाफ से ज्यादा नहीं आपने डालनी क्रीम। अगर आप हाफ से ज्यादा क्रीम डालेंगे तो बीट सही नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, बाउल भी क्लीन, बीटर की स्ट्रिंग भी क्लीन। क्रीम बीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत पड़ेगी, इसके बगैर आपकी क्रीम बीट नहीं होगी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कम स्पीड से स्टार्ट करूंगी, वन से। ये ले, आपने एक हाथ से बाउल को हिलाते जाना है, एक हाथ से आपने क्रीम बीट करते जाना है। क्रीम को आप लोगों ने इस पॉइंट तक बीट करना है। या आप देख लें इसका टेक्सचर कैसा आ गया है, यहाँ पे इसके स्टिफ पीक्स बन गए हैं। आपने क्रीम को स्पैचुला में लेना है और जब इसे उल्टा करें तो ये गिरे ना। अगर आपको लगे ये गिर रही है तो मज़ीद इसको एक सेकंड बीट कर लें, और अगर आपको लगे कि ये नहीं गिर रही, बाउल भी उल्टा करके आप देख सकते हैं, तो फिर ये बस रेडी है क्रीम बीट, आपकी क्रीम केक पर लगाने के लिए परफेक्ट हो गई है। अब आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर आप इसको केक पे लगा सकते हैं। अब हमारी केक की आइसिंग के लिए सब कुछ तैयार है। ये मैंने स्पंज था जो हार्ट शेप में बनाया था, उसको मैंने कट कर लिया। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सही लेयर कट हुई है। ये क्रीम भी फूई हुई आपको दिखाई थी, ये पाइनएप्पल पड़े हुए हैं और ये पाइनएप्पल का जूस है, और ये इस कंपनी का मैंने पाइनएप्पल लिया था। ये स्लाइस फॉर्म में, तो मैंने इसको फिर बारीक चॉप कर लिया। और ये मेरे पास है केक बोर्ड, और ये है जिस पर हम रख के सारा केक का काम करते हैं, ठीक। अब हम इसकी फ्रोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी आइसिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगानी है। इस क्रीम को लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो केक होगा वो बोर्ड के साथ स्टिक हो जाएगा और वो फिर हिलेगा नहीं। मैंने ये केक की एक लेयर ली है और इसको मैंने इस पर सेट कर लिया, क्योंकि मुझे बोर्ड पे राइटिंग भी करनी है तो मैंने इस लिहाज से इसको सेट कर लिया। अब मैं पाइनएप्पल जूस से केक को सोक करूँगी। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से, मुझे ज़रा सही रहता है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ। अच्छी तरह हमने जूस को, केक पाइनएप्पल सिरप जो था टिन में से निकला है, हमने उसी से इसको सोक करना है। जो केक के कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ भी आपने जूस थोड़ा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि वो अक्सर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो जब जूस ज़्यादा लगा होगा तो फिर आपका केक जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस नहीं है तो आप लोग सिंपल चीनी और पानी को घोल के, चीनी के अंदर पानी मिक्स करेंगे। वन अगर आप लेंगे, वन ग्लास पानी लेंगे, तो वन ग्लास पानी में आप 3 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और फिर आप वो शुगर सिरप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपने वो शुगर सिरप, उस शुगर सिरप से आपने केक को सोक कर लेना है। अब मैंने ये क्रीम पहले आपके सामने व्हिप करके रख दी थी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। अब इस पर हम लगाएंगे क्रीम की लेयर। बहुत हल्के हाथों से काम करना, जल्दबाजी में काम नहीं करना। अगर आप में से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और नए नए हैं बेकिंग में, और मेरी वीडियोस देख के उनको बेकिंग का शौक आ रहा है, तो स्टार्ट में अगर केक आपका कोई ख़राब बने तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, टाइम के साथ साथ आप बहुत अच्छे केक बनाने लग जाएंगे। ये हमारे केक की मिट की लेयर है। अब इस पे मैं लगाऊंगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने चॉप करके रखा हुआ था, अब मैं सारा पाइनएप्पल इस पे लगा दूंगी।
क्योंकि ये पाइन एप्पल केक है, तो पाइन एप्पल केक में पाइन एप्पल ही मुंह में आएगा, तो ये केक मज़े का लगेगा। और अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर दूँगी ताकि, और फैला दूँगी ताकि तकरीबन जो भी केक खाए उसके हर बाइट में पाइन एप्पल लाजमी जाए। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने इस केक का रिव्यू भी शेयर करूँगी कि कस्टमर को मेरा ये वाला केक कैसा लगा। थोड़ी सी क्रीम हमने इसके ऊपर भी लगा देनी है, बिल्कुल हल्की सी लेके, ठीक है। वो इसलिए कि अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग जब घर में केक बनाते हैं तो केक जो है ना वो जब हम कट करते हैं तो उसकी पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, ऊपर की लेयर अलग नीचे की लेयर अलग। तो अगर हम थोड़ी सी ऐसे क्रीम लगा देंगे ना और हम इसके ऊपर जब अगली लेयर रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको सही मसला नहीं होगा। अब ये देखिए, ये इसकी अपर लेयर थी और ये नीचे वाली लेयर थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे रखना है। अब इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगी जिस तरह मुझे पता है कि मैंने इसको सेट करना है। अगेन मैं इसको जूस से सोक करूँगी। ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा रही हूँ, फ्रेश क्रीम पाइन एप्पल केक किस तरह बनता है। आप में से जो जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आप लोग के लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला रही हूँ ताकि घर बैठे आप लोग बेकिंग कर सकें और अच्छी अच्छी मज़े मज़े की केक बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जूस कम है, तो मैं इसमें से जूस और ले लूँगी इसके टिन में से, और मैं ये देखिए इसके साइडों पे जूस लगाऊंगी अब, ठीक है। ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है क्योंकि इस साइडों पे जब हम जूस लगाएंगे ना तो उससे ना केक के अंदर और टेस्ट आएगा। जहाँ आपको लगे ना जूस कम है बेशक आप वहाँ डाल लें, और जूस के लिए आपने परेशान नहीं होना कितना डालना है, जितना आपको पसंद है उतना डालें। बाज़ लोग बहुत जूसी केक पसंद करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि केक में जूस ज़्यादा ना हो, तो बस जितना आपको पसंद है आप उतना डाल लें। और मुझे जहाँ जहाँ लगा था कि जूस कम मैंने और डाल लिया, ये हमारा फिनिश हो गया। अब आपने ये करना है, अब आप ये देखें, आपने केक को हल्का सा जो क्रीम लग गई है साइडों पे, आपने अपने इस नीचे वाले जो हमारे पास टर्न टेबल बोलते हैं इसको, इसको घुमाते जाना है, पाइन एप्पल अंदर कर देंगे। और ये देखें, मतलब मैं अभी इसकी सिर्फ इसकी जो क्रीम एक्स्ट्रा लगी है इसको मैं से कवर अप कर रही हूँ। ठीक, ये स्टेप भी कर लिया। बहुत आसान है केक बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ी सी क्रीम लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, बस इतनी लेनी, से ज़्यादा नहीं लेनी। इस क्रीम को हमने अच्छी तरह केक पे फैला देना है। ये हमारे, इसको हम बोलेंगे क्रम कोट, ठीक है। इस क्रीम को हमने हल्का सा, ये हल्की सी बिल्कुल, इसको बारीक बारीक कर लें बेशक आप। यहीं से हम इसको नीचे ले आएंगे, हल्का सा केक के साथ इस क्रीम को कोट करेंगे। पूरे केक को हमने क्रीम से कवर करना है, कहीं से खाली ना रहे। और ये जो क्रम्स आपको नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली इनको छुपाना मकसद है। जहाँ लगेगी ना क्रीम ज़्यादा है तो वहाँ से हम उतार लेंगे। फिर अब केक को क्रम कोट कर दिया हमने, अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो मैं टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ ताकि बोर्ड हमारा साफ़ हो जाए। और इस केक को क्रम कोट करने के बाद आधा घंटा तकरीबन फ्रिज में रखा, उसके बाद अगेन मैंने इसकी आइसिंग की, इस पे तकरीबन पूरी लेयर इसके मैंने क्रीम से कवर किया। वो फुल वीडियो में आपको मैं नहीं दिखा सकी, वो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर देखने वालों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो इतना ही सीखें आप लोग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसकी फाइनल मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। ये इस केक की फाइनल लुक है, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा।
और जी आ गया कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर को केक कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।